हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं आ गया हूं। जी हां, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है और सब्जेक्ट तो आप सबको जो मोस्ट अवेटेड है एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉस का चल रहा है। बुक्स जो खरीद रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद, है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कलेक्टिव बार्गेनिंग से निकल कर आ रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कलेक्टिव बार्गेनिंग समझाइए कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, इसके मीनिंग बता दो, इसके सिग्निफिकेंस बता दो, इसके टाइप्स बता दो। बेसिकली टाइप शायद डिटेल वीडियो में है या नहीं, एक बार चेक कर लेना, होंगे तो शायद डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग के वैसे कोई प्रैक्टिकल मैनर में अंदर टाइप्स नहीं होते। बार्गेनिंग कर रहे हैं एम्प्लॉय बैठकर एम्प्लॉयर से बार्गेनिंग कर रहा है, ट्रेड यूनियन बैठ के मैनेजमेंट से बार्गेनिंग कर रहा है, तो उसके कुछ बेसिकली टाइप्स नहीं। लेकिन कुछ ऑथर्स ने कुछ बुक्स के अंदर इसके टाइप्स भी दे रखे हैं, तो वो भी मैं ले आया हूं ताकि एग्जाम में अगर अपना टाइप्स का क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे परेशान न हो, और हो सकता है डिटेल वीडियो में कुछ अलग टाइप्स लिखे हो, है ना। एक बार मैंने भी वो रेफर नहीं किया है तो आप एक बार चेक कर लेना, या हो नहीं भी लिखे हो, है ना। बट यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग के जो टाइप्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, दोनों ही बुक के सही हैं, तो आप ज़्यादा परेशान मत होना। नॉर्मल अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो। कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है जब ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट के साथ बैठ के किसी पॉइंट के ऊपर नेगोशिएट कर रही होती है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है। बार्गेनिंग जैसे कि हम यूजुअली करते हैं, मोल भाव, वो सामने वाले में गया, हमारे माताजी थे, अभी एक्सपायर हो गए, आप सबको पता ही है, हम दुकान पे जाते थे, बड़े हमको बात याद आती है, दुकान पे जाते थे, वो बोलता था भैया 1500 की शर्ट, हमारी मम्मी बोलती थी 250 फिर वो कम ज़्यादा होते हुए हम 1000 रुपये में लाते थे, तो काफ़ी एक तरीके से सिचुएशन होती थी कि मम्मी इतनी बार्गेनिंग, तो बोले हाँ इतनी बार्गेनिंग होती है। तो बार्गेनिंग इसका मतलब मोल भाव करना होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है कि जब सामूहिक मोल भाव कर रहा होता है, और सामूहिक का ऐसा मतलब नहीं कि 1000 जने होते हैं, वहाँ पर ट्रेड यूनियन के कुछ मेंबर्स और उसका रिप्रेजेंटेटिव यानी लीडर होता है और वो मैनेजमेंट से बात कर रहा होता है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस है जिसमें वेयर वर्कर यूजुअली रिप्रेजेंट बाय यूनियन एंड नेगोशिएट एम्प्लॉयर्स टू डिटरमाइन वेजेस, हो सकता है वर्किंग कंडीशन, हो सकता है कौन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए कर सकते हैं, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग है। यूजुअली क्यों होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है बैलेंसिंग ऑफ द पावर। सारी पावर मैनेजमेंट के पास में नहीं रहे, एम्प्लॉय के पास में भी रहे। इंप्रूविंग वन कंडीशन, वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए हो सकती है, वर्क प्लेस को एनहांस करने के लिए, रिलेशनशिप एनहांस करने के लिए, रिलेशनशिप यानी कि अच्छे रिलेशन को मेंटेन करने के लिए हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए यदि कोई वाद विवाद हो जाए तो उसके लिए हो सकती है, प्रमोटिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी या वेजेस, यहाँ पर ये वेजेस का पॉइंट भी सही है, या प्रमोटिंग बोनस हो गया, वेजेस हो गया, उसके लिए करी जा सकती है। अब टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग थोड़ा अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग क्या होती है, जिसमें इन्वॉल्व होती है नेगोशिएशन ओवर अ फिक्स अमाउंट। वो कह रहा होता है मैनेजमेंट की 5 लाख, ये कह रहा होता है 4 लाख, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव अमाउंट जो एक क्षतिपूरक की ओर से होती है। मान लो कि कोई वर्कर काम करते करते उसको कोई एक्सीडेंट हो गया या वो शांत हो गया, है ना, तो उसके लिए जो बार्गेनिंग करी जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग हो गई, या बोनस के ऊपर आप किसी परसेंटेज या अमाउंट के ऊपर बार्गेनिंग कर रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग हो गई। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग होती है कि एक पाए फॉर सीकिंग क्रिएटिव सॉल्यूशन, यानी कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, मान लेते हैं सुरेश और रमेश में विवाद हो गया, सुरेश जो है वो सुपरवाइजर है, रमेश जो है वो फॉरमैन है या वर्कर है, है ना, दोनों में विवाद हो गया है और मैनेजमेंट तक ये बात पहुंच गई है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग पे बात आ गई है। अब जो सारी लेबर कह रही है कि जो भैया सुपरवाइजर साहब को आप तो रिज़ाइन करवाओ, उनको कंपनी छुड़वाओ, और कंपनी ऐसा चाहती नहीं है क्योंकि जो सुपरवाइजर है वो ओल्ड एम्प्लॉई है, तो इस समय क्रिएटिव सॉल्यूशन लिया जाता है, लाइक कि उसका दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है, या बीच में आर्बिट्रेचर नियुक्त करना होता है, है ना, या लेबर का कहीं पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में आता है। यानी कि एक क्रिएटिव सॉल्यूशन जब हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट कंसेशनरी। कंसेशनरी होता है कि यहाँ पर वो कह देते हैं कि हम एक आपको पर्टिकुलर, दोनों म्यूचुअली किसी बात के ऊपर एग्री होते हैं और दोनों कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, लाइक कि कम 4 पॉइंट है, कंपनी वर्कर कह रहे हैं कि 20% बोनस चाहिए हमको और ग्रेचुटी चाहिए, PF चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो कंपनी वाले कह रहे हैं ठीक है 20% बोनस देंगे लेकिन वर्किंग आवर्स इतने बढ़ा देंगे, गुडविल हम इतना, गुडवर्क जो देते हैं वो इतना कम कर देंगे, तो वो कंसेशनरी बार्गेनिंग इज द अकर्स व्हेन द वन पार्टी यूजुअली लेबर्स एग्री टू मेक कंसेशन और सेक्रीफाइस करने के लिए। और कौन करता है यूजुअली सेक्रीफाइस,
लेबर ही करेगा ना। मल्टी पार्टी बार्गेनिंग, जब बहुत सारी ट्रेड यूनियन बैठ के एक साथ, यानी दो या दो से ज़्यादा अधिक ट्रेड यूनियन बैठ के अपने वर्कर के हितों की रक्षा के लिए बार्गेनिंग कर रही होती है, तो वो मल्टी पार्टी बार्गेनिंग कहलाती है। तो क्या सर, ज़्यादा भी यूनियंस होती है? एक मराल ओवरसीज करके कंपनी है, मेरे फादर वर्क करते थे वहाँ पर, दो तीन तीन ट्रेड यूनियन थी। तो मेरे को पता चला था, अरे ट्रेड यूनियन इतना, क्योंकि हम भी जब MBA में थे तब हमको लगता था यूनियन एक ही होती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अगर मेरे को यूनियन बनानी है, 7 मेंबर्स ले जाओ, रजिस्ट्रार ऑफिस में चले जाओ, ये 100 मेंबर मेरे को यूनियन बनाना चाहते हैं, तो हम एक श्रमिक मोर्चा खोल गया, तो श्रमिक कल्याण मोर्चा हमने खोल दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना? तो ये टाइप्स ऑफ बार्गेनिंग भी बने निपटा दिया, सिग्निफिकेंस भी निपटा दिया, ऑब्जेक्टिव भी बता दिया और कंसेप्ट भी बता दिया। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि बार्गेनिंग करते कैसे हैं। बेसिकली अपना एक प्रोसेस फॉलो होता है जिसके अंदर अपॉइंटमेंट फिक्स करा जाता है मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के बीच में, वहाँ पर अपॉइंटमेंट एजेंडा फिक्स होता है जनरल मीटिंग के थ्रू, उसके ऊपर नेगोशिएशन करा जाता है, नेगोशिएशन पे एक रूल्स डिसाइड होते हैं या एक रिजोल्यूशन पास होता है कि हाँ ये वाली चीज़ है और ये मान ली गई है, इस पे जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं और उसका ऑनर लीडर है वो साइन करता है और मैनेजमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो साइन करता है, यूजुअली ऑनर के साइन माने जाते हैं। तो नेगोशिएशन होता है, उसके बाद उसकी रूपरेखा खींची जाएगी और फिर अगर नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो जाता है और नॉट सक्सेसफुल होता है तो दोनों के पास ऑप्शन खुले हुए रहते हैं, दोनों ही कोर्ट का रुख कर सकते हैं या थर्ड आर्बिट्रेचर को कॉल कर सकते हैं। आर्बिट्रेचर वो बंदा होता है जो एक्सपर्ट होता है जिसकी समाज में चलती है ना, मतलब जिसको सब लोग जने जानते हैं, यानी कि जिनका ट्रेड यूनियन भी बात मानेगी, जिनका मैनेजमेंट भी मान मानेगा, हो सकता है वो कोई सोशल एक्टिविस्ट हो सकता है वो वहाँ का MLA हो सकता है वो वहाँ का MP हो, है ना, कोई भी हो सकता है, कोई बड़ा नेता हो सकता है, कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है या कोई सोशल एक्टिविस्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसका ट्रेड यूनियन। तो आर्बिट्रेचर पे अगर नेगोशिएशन नहीं बन पाता, बन ही जाता है यूजुअली, है ना, उसके बाद फिर नेगोशिएशन बनने के बाद उसको फाइनल किया जाता है और कुछ नेगोशिएशन में रेक्टिफिकेशन है तो रेक्टिफिकेशन करके इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और एनफोर्समेंट, इम्प्लीमेंट और एनफोर्समेंट एक ही बात है, समझ में आएगा। बेसिकली बार्गेनिंग करने में सबसे पहला प्रोसेस क्या है, हमको प्रिपरेशन करनी होती है, प्रिपरेशन में हम मीटिंग के पॉइंट्स बताते हैं, नेगोशिएशन के पॉइंट्स बताते हैं, दोनों के पास रिटर्न में सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं, यानी ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के पास भी, है ना। और छोटी मोटी बातों पे तो कोई आके ऐसा करना नहीं होता है, लेकिन जब सीरियस मैटर होता है लाइक बोनस की बात हो, सैलरी की बात हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा बड़ा हो जाए उसमें अगर बार्गेनिंग करनी है तब ट्रेड यूनियंस की मीटिंग्स होती हैं। तो मीटिंग के बाद फिर नेगोशिएशन होता है, मीटिंग में नेगोशिएशन होने के बाद उसका फाइनल रेक्टिफिकेशन हो जाता है, नेगोशिएशन अपन ने माना सक्सेसफुल रहा, फिर उसका फाइनल ड्राफ्ट रेडी हो जाता है, ड्राफ्ट पे सबके साइन हो जाते हैं तो फिर वो रूल्स बन जाते हैं, फिर उनको एनफोर्स कर दिया जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। और इसके साथ ही मेरा कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, यकीन मानिए कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक ऐसा क्वेश्चन है जो एम्प्लॉय लेवल लॉज, जो ये लेबर लॉस का सब्जेक्ट है ना, इसमें तो आता ही है, अपने एम्प्लॉय रिलेशंस के सब्जेक्ट या लेबर लॉस में, दोनों में अगर कभी भी सब्जेक्ट आता है तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग जरूर उदय हो जाता है वहाँ पे, तो इसको मैं हमेशा पसंद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।